स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप लोग एलिफेटिक एल्डिहाइड्स तथा कीटोन्स के निर्माण की सामान्य विधियां देखेंगे। दोनों में एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल यौगिक होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे विरचन की विधियां हैं जो दोनों की कॉमन है, जिनको हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ तीन ही विधियां मैं समझा रही हूँ, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहला है एल्कीन से। एल्कीन से जो है, जब एल्कीन्स का ओजोनीकरण करते हैं तो हमें एल्डिहाइड भी प्राप्त होता है और कीटोन भी। तो देखिए किस तरीके से, जब एल्कीन्स की अभिक्रिया ओजोन से करवाते हैं, O3 क्या है, ओजोन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ओजोनाइड मिलेगा, और इस ओजोनाइड की जब आप जिंक चून के साथ वाटर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। तो किस तरह से ये प्राप्त होते हैं, अब हम वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स जो है, जब हम इस प्रकार के एल्कीन्स की, ठीक है, एल्डिहाइड हमें पता है CHO, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, CHO, तो CHO हमें होना चाहिए एल्कीन में। तो देखो यहाँ पे जो एल्कीन है ये CH ग्रुप है, तो RCH1CH2 की जब ओजोन से करवाएंगे, ठीक है, यहाँ तो हम पूरा ओजोनाइड बनाएंगे, फिर जिंक चूर्ण के साथ करेंगे। अगर जब MBBS की आप परीक्षा देंगे या IIT वगैरह की देंगे तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि आप ये सब बनाओगे, ठीक है। वहाँ ये दे रखा है कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो सिंपली आप बता सकते हैं RCHO और CH2O, ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और RCHO और CH2O दो एल्डिहाइड मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मिलता कैसे है वो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, जब ओजोन से अभिक्रिया करवाएंगे इस एल्कीन की, तो यहाँ पे जो है RCH, ठीक है, डबल बॉन्ड चेंज हो जाता है, डबल बॉन्ड हट जाता है। इसको ऐसे लिखो, ओजोन में कितने O है, 3, तो ये 3 O किस तरह से जुड़ते हैं, इस तरीके से, ठीक है, ये आपको ओजोनाइट प्राप्त हुआ। जब आप इसकी अभिक्रिया करवाते हो जिंक चून और वाटर की उपस्थिति में, तो आपका ये देखो इस तरह से टूटता है ये बॉन्ड, ठीक है, और आपका जिंक ऑक्साइड, ये अकेला है जिंक चूर के साथ, ये जिंक ऑक्साइड बनाता है, और आपको देखो प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा, RCHO, एक एल्डिहाइड ये मिल गया, प्लस ये मिलेगा CH2O, CH2O होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, मैथेनल। तो यहाँ पे एल्डिहाइड का मिक्सचर आपको प्राप्त होगा, ठीक है। एक उदाहरण से इसको देखते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। हमने प्रोपीन लिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसकी ओजोन से जब अभिक्रिया करवाएंगे तो सिंपली भी हम वैसे भी मैं आपको बता सकती हूँ CH3CHO, एक तो ये मिलेगा आपको एथेनल और CH2O मैथेनल, ठीक है। अब कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखो वही है, ओजोन से जब अभिक्रिया करवाएंगे CH3CH और यहाँ पे लिख देंगे CHO, डबल बॉन्डेड ये कार्बन हट जाएगा, ऑक्सीजन जो है, तीन ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ेंगे, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है दोनों इनसे किस तरह से जुड़ेंगे, एक तो ऑक्सीजन ये जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, ठीक है, ये हो गया, ये ओजोनाइट मिला आपको, ठीक है। और जब आप इसकी अभिक्रिया करवाओगे किससे, जिंक चून और वाटर के साथ, तो ये किस तरह से ब्रेक होता है, यहाँ देखो एक यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है, और जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा, ये ओ जिंक से साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड देगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा आपको CH3CHO, ठीक है, दो कार्बन का ये एल्डिहाइड मिलेगा CH3CHO, नाम क्या हो जाएगा, एथेनल, ठीक है। दूसरा मिलेगा एक कार्बन का एल्डिहाइड CH2O, क्या है इसका नाम, मैथेनल, ठीक है। तो इस तरीके से एल्डिहाइड आपको प्राप्त हुआ। तो एल्डिहाइड के लिए जो एल्कीन आप लेंगे CH वाला लेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कीटोन के लिए क्या करोगे, अपने आप ही है, ये जो कार्बन है कोई सा भी डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें क्या है, दो एल्किल समूह, ये H हटा के, क्योंकि कीटोन में तो क्या है H नहीं होता है, तो इट मीन्स इस कार्बन से दो एल्किल समूह आप जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कीटोन, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कीटोन कैसे बनेगा। कीटोन्स के लिए देखो कौन सा एल्कीन लिया, मैंने बोला था किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन में दो एल्किल लगा देंगे, तो यहाँ लगा दिया, तो देखो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरीके से हो जाएगा, जो ओजोन है जब अभिक्रिया करेगा, ठीक है, ओजोनाइट क्या है, जो ओजोन है O3 डबल बॉन्डेड कार्बन से इस तरह से जुड़ते हैं, ठीक है, ओजोन के 3 ऑक्सीजन परमाणु, ये हो गया, ठीक है।
और जब आप जिंक चून और वाटर के साथ इसके अभिक्रिया करोगे तो ये देखो इस तरह से ब्रेक होते हैं, इस तरीके से जेड एनओ निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखो क्या मिलेगा, कीटोन आर सी आर डबल वन ओ, ये हो गया आपका कीटोन, ठीक है। और साथ में आपको क्या मिलेगा, सी एच टू ओ, ये क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड मेथेनल, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर प्राप्त होता है। एक उदाहरण से इसको देखते हैं, ठीक है। ये वाला लिया हमने एल्की, तब ओजोन से इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या मिलेगा, ये वाला हमने ऐसे उतार दिया, ठीक है, और इसको यहाँ, तो ये डबल बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं उससे ऑक्सीजन कैसे जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा दोनों से और बाकी के दो इस तरीके से, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। फिर जब आप इसकी जिंक चून और वाटर के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो इस तरह से ब्रेक होता है बच्चों, ठीक है, और जिंक ऑक्साइड निकल जाता है और आपको क्या मिलेगा, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, सी एस सी सी ओ सी एस टी मीन्स एसीटोन, क्या है ये आपका एसीटोन, सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, ठीक है, ये हो गया एसीटोन। और दूसरा क्या मिलेगा आपको, सी एच टू ओ मैथेनल मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एल्काइन से, दूसरा मेथड क्या है, एल्काइन से किस तरह से आप प्राप्त करोगे एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्काइन से जलयोजन द्वारा प्राप्त करते हैं, जलयोजन का मतलब है जल का योग। तो जल का योग किसकी उपस्थिति में कराते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा मर्क्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल से क्रिया करवा के हम एल्काइन से एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त करते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल 40% यूज होता है जबकि मर्क्यूरिक अम्ल कितना होता है 1%, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एल्डिहाइड के लिए जो है इसमें हमें एसिटिलीन, जो है एल्डिहाइड जो है हमें एसिटिलीन से मिलेगा। एसिटिलीन के अलावा कोई सा भी हम एल्काइन लें उससे हमें कीटोन प्राप्त होगा, ठीक है। तो जब हमने एसिटिलीन का जलयोजन किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल और मर्क्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ पे चूंकि तो क्या है समित एल्कीन है, एल्काइन है सॉरी, एल्काइन है, तो कहीं पे भी एच आयन और कहीं पे भी ओ एच आयन जुड़ जाएगा, ठीक है। और डबल बॉन्डेड कार्बन जो है आपका, सॉरी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया था, OH जो है डबल बॉन्डेड कार्बन से जो जुड़ा होता है वो अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल के लिए ये सिंबल है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इसको रखते हैं। तो ये वैनिल अल्कोहल आपको प्राप्त हुआ, तो यहाँ से क्या है जो ये H है, ठीक है, ये क्या है अपने को स्टेबल करने के लिए, ये एच यहाँ चला जाएगा और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सी एच थ्री सी एच ओ एथेनल, ठीक है, एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। इसके बाद कीटोन जो है अदर देन एसिटिलीन, किसी भी एल्काइन से हम ये जलयोजन अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या है कीटोन प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रोपाइन लिया है, जब इसकी वाटर से अभिक्रिया करवाएंगे तो वाटर को हम एच आयन ओ एच आयन के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग क्या है एडिशन होगा, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट जो है ओ एच आयन जो है किस कार्बन से जुड़ेगा, जिसमें लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और एच आयन किस कार्बन से जुड़ेगा उससे जिसमें हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा इसमें देखो कैसे मिलेगा, सी एस सी ये ओ एच आपका इस कार्बन से, ठीक है, जुड़ेगा, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा सी एच टू, ठीक है। अभी इससे ऊपर भी मैंने आपको बताया था हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है तो अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये क्या है अपने को स्टेबल करने के लिए ये एच को सीधे यहाँ भेज देगा, तो आपको मिलेगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्डेड कार्बन सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा और ये मिल जाएगा आपको सी एस सी मीन्स एसीटोन। इस तरीके से क्या है कीटोन आप क्या है एल्काइन से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जेम डाइहैलाइड, तीसरा मेथड है जेम डाइहैलाइड से आप किस तरीके से एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो जेम डाइहैलाइड क्या है, डाइहैलाइड का मतलब है दो हेलोजन, जेम का मतलब जब एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जेम डाइहैलाइड का जब हम क्षारीय जल अपघटन करेंगे तो हम उससे भी क्या है एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त कर सकते हैं।
तो जेम डाइहैलाइड भी दो प्रकार के होते हैं, एक टर्मिनल और दूसरा नॉन टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है, जब दोनों हैलोजन ग्रुप जो है अंतिम कार्बन से जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं टर्मिनल जेम डाइहैलाइड, ठीक है। और नॉन टर्मिनल क्या है, जब अंतिम कार्बन से दोनों हैलोजन नहीं जुड़े होते हैं, अंतिम कार्बन के अतिरिक्त किसी और कार्बन से जुड़े होते हैं तो उसको नॉन टर्मिनल जेम डाइहैलाइड कहते हैं, ठीक है। तो इनसे देखो किससे एल्डिहाइड बनेगा, किससे कीटोन, इससे एल्डिहाइड बनेगा। आपको पता है एल्डिहाइड मीन सीएचओ ग्रुप, ठीक है। सीएचओ भी टर्मिनल ग्रुप होता है, टर्मिनल जो है किनारे पे ही होता है, ये सीएचओ आपको बीच में नहीं मिलता, इसलिए ये टर्मिनल जेम डाइहैलाइड से आपका एल्डिहाइड बनेगा और नॉन टर्मिनल से आपका क्या बनेगा, कीटोन, ठीक है। तो किस तरह से बनेगा ये देखते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड, एल्डिहाइड वही है मैंने अभी आपको बताया, फंक्शन ऑफ सी एच ओ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, तो ये बनेगा टर्मिनल जेम डाइहैलाइड से, ठीक है। किस तरह से बनेगा, तो जब हम इसका क्षारीय अपघटन जल अपघटन करेंगे तो ये हमने ले लिया, तो यहाँ पे क्या है सीएल जो ग्रुप है दो, ये ओएच से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। सी एच थ्री किस तरीके से होंगे, सी एच, दोनों सीएल किससे हो गए, ओएच से रिप्लेस, ठीक है। मैंने जब आपको अल्कोहल करवाया था वहां पे भी समझाया था, किसी भी कार्बन में जब दो ओएच ग्रुप जुड़े होते हैं तो अनस्टेबल होता है, ये ब्रैकेट के अंदर ये अनस्टेबल का चिन्ह है, तो वहां से क्या निकलता है, सीधे से वाटर निकल जाता है, वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सी एच थ्री सी एच ओ, एल्डिहाइड मिल गया, एथेनल एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। और कीटोन क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम नॉन टर्मिनल जेम डाइहैलाइड से आपको क्या मिलेगा, कीटोन। किस तरीके से मिलेगा देख लो, वही है जब क्षारीय जल अपघटन करेंगे तो क्या है, ये देखो ये नॉन टर्मिनल जेम डाइहैलाइड है, सीएल जो है रिप्लेस हो जाएगा विद दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, ठीक है। अब किसी भी एक कार्बन में दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर जुड़े हैं तो अनस्टेबल है, स्टेबल करने के लिए वो एकदम से क्या है, वाटर निकल जाता है, क्या निकलता है, वाटर, ठीक है। और देखो आपको क्या प्रोजेक्ट मिल जाएगा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, क्या हुआ ये, एसीटोन, आईपेक नेम क्या है, प्रोपेनोन। तो इस तरीके से हम जेम डाइहैलाइड से भी एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। तो अपने इस वीडियो में मैंने आपको तीन मेथड्स बनाए एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के, पहला एल्कीन से ओजोनीकरण द्वारा, दूसरा एल्काइन से जलयोजन द्वारा, तीसरा है जेम डाइहैलाइड से उसका क्षारीय जल अपघटन करके, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से देखेंगे समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, टिल देन बाय।